प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता संकल्प सप्ताह के तहत उत्तर मध्य रेलवे की ओर से भी आज वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज मंडल में एक साथ 300 स्थानों पर रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के लोग स्वच्छता मुहिम का हिस्सा बने और श्रमदान भी किया। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे केजीएम सतीश कुमार की अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें डीआरएम प्रयागराज मंडल हिमांशु बडोनी के साथ ही जोन और मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच रेलवे स्टेशन परिसर, रेलवे ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों में सफाई की। इस मौके पर रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर जीएम ने पौधरोपण भी किया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जीएम सतीश कुमार ने कहा कि भारतीय रेलवे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, इसलिए ट्रेन और स्टेशन परिसर स्वच्छ रहे इसके लिए यात्रियों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता का यह अभियान रुकेगा नहीं, बल्कि लगातार इस मुहिम से लोगों को भी जोड़ा जाएगा। इस मौके पर स्कूली बच्चों के बीच स्वच्छता विषय को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के जरिए भी स्वच्छता के महत्व को समझाने और लोगों को जागरूक करने का लोक कलाकारों ने प्रयास किया। स्वच्छता अभियान की इस मुहिम में स्थानीय एनजीओ और स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जीएम उत्तर मध्य रेलवे सतीश कुमार ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। आप सभी मेरे साथ उद्घोष करें।